देश भर में कोरोना वायरस की रफ्तार अभी भी जारी। अब तक 1,80,000 के करीब संक्रमित मामले आ चुके हैं सामने। 5,000 से ज्यादा लोगों ने महामारी की वजह से गंवाई जान। देश में लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन आज, कल से शुरू हो रहा है अगला चरण। 1 जून से 30 जून तक चलेगा लॉकडाउन 5। धार्मिक स्थलों और रेस्तरां को शर्तों के साथ मिलेगी छूट, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। कोरोना संकट के बीच आज एक बार फिर जनता से पीएम मोदी करेंगे मन की बात कार्यक्रम। 11 बजे से आकाशवाणी पर होगा प्रसारित। पिछली बार कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की थी कोरोना योद्धाओं की तारीफ। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वदेशी किट से एंटीबॉडी जांच की राज्यों को छूट। अब महज आधा घंटा में चलेगा संक्रमितों का पता। ICMR ने स्वदेशी किट से एंटीबॉडी जांच के जरिए सर्वे कराने की दी सलाह। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के परीक्षण पर रोक के फैसले पर WHO के खिलाफ भारत में बढ़ा विरोध। ICMR और CSIR ने जताया विरोध, विश्व स्वास्थ्य संगठन के फैसले को बताया गलत। बदले गए रेल यात्रा के नियम, आज से 4 महीने पहले बुक कराए जा सकेंगे ट्रेनों के टिकट। तत्काल कोटा भी शुरू। कॉमन सर्विस सेंटर, यात्री सुविधा केंद्र, पोस्ट ऑफिस में भी टिकट बुकिंग की सुविधा। कल से दौड़ने लगेंगी करीब 230 स्पेशल ट्रेनें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री और लखनऊ से BJP सांसद राजनाथ सिंह के लापता होने के लगे पोस्टर। पुलिस ने मामले में केस भी किया दर्ज। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगवाए हैं पोस्टर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। आतंकी छिपे होने की मिली थी सूचना। इलाके में छिपे हो सकते हैं 2 से 3 आतंकी। शनिवार रात अचानक मौसम ने ली करवट। दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम किया सुहाना। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम ने कई जिलों में मचाया हाहाकार। तेज आंधी से कन्नौज में 6 लोगों की गई जान, 4 लोग हुए घायल। कानपुर में हुई भयंकर ओलावृष्टि। दुनिया भर में कोरोना का सितम जारी। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3,68,000 के पार। 60 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,015 लोगों की मौत। मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,05,000 के पार। एक दिन में सामने आए 23,000 से ज्यादा मामले। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 28,834 हुई। पिछले 24 घंटों में 960 लोगों की गई जान। एक दिन में सामने आए 33,274 मामले। अमेरिका ने रचा इतिहास। SpaceX और NASA का ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, SpaceX ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, हमारे यात्री एकदम सुरक्षित। पहले खराब मौसम के चलते टाला गया था मिशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टाली G7 देशों की बैठक। भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को समूह में शामिल करने की दी सलाह। 10 से 12 जून के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी थी बैठक। अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA ने कोरोना मरीजों के लिए बनाया एक खास वेंटिलेटर। निर्माण के लिए भारत की 3 कंपनियों को मिला लाइसेंस। 18 अन्य कंपनियों को भी किया गया है शामिल। वाहन निर्माता कंपनी मारुति ने ग्राहकों को दी बड़ी राहत। 30 जून तक बढ़ी वारंटी सर्विस की डेडलाइन। बढ़ते लॉकडाउन को देखते हुए मारुति ने लिया फैसला। स्टार्टअप कंपनियों को टैक्स को लेकर मिल सकती है रियायत। DPIIT और राजस्व विभाग इस दिशा में कर रहे हैं काम। नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए पहल। कल से महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। 5 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम। लॉकडाउन में हुए घाटे की भरपाई करने की कोशिश करेंगी तेल कंपनियां। और 8 जून से मॉल्स और शॉपिंग सेंटरों को खोलने के फैसले का रिटेलर्स एसोसिएशन ने किया स्वागत। कहा, लॉकडाउन की वजह से दबाव झेल रहे उद्यमियों को मिलेगी राहत, अर्थव्यवस्था को भी मिलेगी मदद।